हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में हमने बात किया ऐसे सारे ड्रग के बारे में जो कि आपके पेप्टिक अल्सर के केस में आपको रिलीफ प्रोवाइड करने में काफी मदद करते हैं। इनके काम करने के तरीके के हिसाब से भी हमने देखा कि कुछ ड्रग की कैटेगरी ऐसी होगी जो कि आपके एसिड को, जो कि मेन प्रॉब्लम का कारण है, उसको सिक्रीट होने से कम कर दें, उनको सिक्रीट होना का जो प्रोसेस है इसको इनहिबिट कर दें। या दूसरा तरीका था कि अगर सिक्रीट हो भी गया भैया तो कम से कम उसको हम न्यूट्रल तो कर दें, जिसकी वजह से जो एसिडिटी के कारण से तकलीफ हो रही थी, अल्सर बनने की संभावना हो रही थी, इनको हम न्यूट्रल कर सकते हैं। तीसरा तरीका भी ये कहता था कि अगर मैं किसी तरीके से इन दोनों को फॉलो नहीं कर पाया, अल्सर हो गया, तब की केस में मैं कुछ ऐसे ड्रग को यूज करूं जो इस अल्सर के ऊपर एक लेमिनेशन जैसा, एक प्रोटेक्टिव फिल्म जैसा बनाने का काम करें। और आखिर अगर इन तीनों तरीके में काम नहीं बनती है और अगर अल्सर का कारण हमारा माइक्रोऑर्गेनिज्म यानी कि एच पाइलोरिक है, तो हम ऐसे ही स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक को यूज करके इस पाइलोरिक को हटा दें। यह था मेन क्लासिफिकेशन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके पहले क्लासिफिकेशन यानी कि ऐसे ड्रग जो कि आपकी गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं। और इनके अंदर का जो पहला और इंपॉर्टेंट सब क्लास है हमारा, वो है H2 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। सबसे पहले टॉपिक को समझते हैं हमेशा की तरह, क्योंकि ये आपका बेस बनाएगा। ऐसे ड्रग जो कि आपके एसिड के सिक्रीशन को इनहिबिट करेंगे वो कैसे आपकी अल्सर में मदद करेंगे। जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को अल्सर होता है उसका कारण ये है कुल मिलाकर के कि आपके जो एग्रेसिव फैक्टर हैं यानी कि जो आपके HCL है, पेप्सिन है, गैस्ट्रिन है, बाइल है, पाइलोरिक है, खास करके यहां अगर पाइलोरिक को छोड़ दूं तो इनका लेवल ज्यादा हो जाता है। इनके ज्यादा बनने की वजह से अब हमारा प्रोटेक्शन काम करना उतना अच्छे से नहीं कर पाता, तो इनके बढ़ने की वजह से अल्सर की प्रॉब्लम है। तो मेरा काम करने का तरीका क्या होना चाहिए कि मुझे कैसे भी करके इनको कम करूं। और ये है आपका पहले हेडिंग का मतलब जो कि गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को कम करते हैं। अब ये तो हमारा उद्देश्य हो गया, टारगेट हो गया, एम हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, इसको पूरा कैसे करूं। इसको पूरा करने के अलग अलग तरीके हैं, उनमें से पहला है हमारा H2 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग यानी कि ऐसे ड्रग जो कि उस हिस्टामिन के रेस्पेक्टिवली H2 रिसेप्टर पे बाइंड होने से उसको रोक देंगे। तो अगर बाइंड होने नहीं देंगे तो क्या होगा, अगर ये जानना है आपको तो थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा कि ये जानना पड़ेगा कि अगर वो बाइंड हो रहे थे तो क्या हो रहा था। तो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि अगर बाइंड होने ना दूं तो वो क्या होगा। अगर हम बात करते हैं इसके फिजियोलॉजी की, तो सबसे पहले देखिए ये जो हिस्टामिन है ये अपने रेस्पेक्टिव H2 रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड हो रहा था। कहां पे H2 रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, हम बात करते हैं तो आपके पैराइटल सेल पे। तो इन पैराइटल सेल पे जब हमारे H2 रिसेप्टर पे हमारे हिस्टामिन जाके बाइंड हो रहे थे तो उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंगली HCL का सिक्रीशन ज्यादा हो रहा था। HCL सिक्रीट ज्यादा होने की वजह से आगे जाकर के आपने देखा कि पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो रही थी। इसको कैसे समझा जाए, चलिए मैं आपको एक सिंपल सा लाइव डेमो दिखाता हूं जिसकी मदद से आप समझेंगे कि इनके काम करने के तरीके होते क्या है। थोड़ी देर के लिए आपने यहां पे देखा कि हिस्टामिन अपने रेस्पेक्टिव H2 रिसेप्टर पे बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद रिसेप्टर के साथ इस हिस्टामिन का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पूरा होगा। और आप जानते हैं कि जब कभी भी रिसेप्टर अपने सिग्नल मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होगा और जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तभी उनका जो फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल एक्शन है वो स्टार्ट होगा। इनको अगर बाइंड होने ना दें तो इनका जो एक्शन है, जो भी रेस्पेक्टिव होगा, वो नहीं मिलेगा। मैं आपको समझा रहा हूं एक सिंपल लाइव डेमो से। ये जो आप प्लास्टिक का एक डाइस जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये मान के चलिए कि आपके पैराइटल सेल का H2 रिसेप्टर है और ये है हमारा हिस्टामिनिक ड्रग या हिस्टामिन जो आपकी बॉडी में सिक्रीट हो रहे हैं। तो ये जब मूव करते हुए अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर यानी कि H2 रिसेप्टर पे जाएगा तो इस तरीके से इनकी बाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इनको बाइंड होने की जगह मिल रही है। ये जब बाइंडिंग कंप्लीट होगा तो HCL का यानी कि गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और आपका हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी और इसकी वजह से आगे जाके अल्सर हो सकते हैं। मेरे पास अब दो ऑप्शन है कि इनके बाइंड होने की वजह से जो HCL का सिक्रेशन ज्यादा हुआ है और मुझे अब HCL के सिक्रेशन को कम करना है, तो मैं या तो इनको बाइंड होने ही ना दूं, इस हिस्टामिन को उसके रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे बाइंड होने ही ना दूं, या तो मैं इसके साथ ऐसा कोई ड्रग यूज करूं इस केस को अवॉइड करने के लिए जो कि इसको कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर ले। तो सबसे पहले देख लेते हैं ब्लॉकर कैसे काम करता है। अब ये देखिए ये कोई ड्रग है, खास करके सिमिडेडिन के केस में, रिनडेडिन के केस में अगर आप बात करेंगे तो अलग अलग तरीके हैं। एग्जांपल आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा,
सिमेटिडिन, रैनिटिडिन, फेमोटिडिन और रोक्सटिडिन। इसमें से हमारा एक कॉम्पिटेटिव तरीके से इनिबिट करते हैं केवल फेमोटिडिन, जो पार्शियल तरीके से इनिबिट करता है क्योंकि ये एक ब्लॉकर का काम करेंगे एफिनिटी से। तो ये मान के चलिए कि आपका फेमोटिडिन है और ये हिस्टामिन रिसेप्टर है। इस फेमोटिडिन ने आपके एस2 रिसेप्टर को इस तरीके से ब्लॉक कर दिया, ये अब रिसेप्टर आपका ब्लॉक हो गया। इस रिसेप्टर के ब्लॉक होने की वजह से अगर हिस्टामिन जा भी रहा है तो ये कैसे बाइंड होगा, अपने रेस्पेक्टिव साइट पर बाइंड नहीं होगा। ये आप ऊपरफिशियली देख रहे हैं, कनेक्शन नहीं बन पाया, तो ये रिसेप्टर अब बाइंड नहीं होगा। और इसके बाइंड ना हो पाने की वजह से जो हिस्टामिन की एक्टिविटी थी यानी कि गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन, ये प्रॉपर नहीं हो पाएगा। दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं बात करूं इनहिबिटर की, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की, तो ये नॉर्मल हिस्टामिन बाइंड हो रहा था, अब आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, आपका सिमेटिडिन, रैनिटिडिन ये आ गए, ये इन्होंने इसको कंपटीशन किया, इससे मुकाबला किया, फाइट किया और इनकी एक्टिविटी ज्यादा थी इसलिए इन्होंने इस ओरिजिनल हिस्टामिन को यहां से रिप्लेस कर दिया। और रिप्लेस करने की वजह से अब आपको उस एक्चुअल एक्शन को देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि जब हमारा जो हिस्टामिन था वो अपने एस2 रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा था, ये एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये था हमारा आपके एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के काम करने के तरीके। अब आगे बात करते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां यहां पे कोट की गई हैं। पहला है जो H2 ब्लॉकर्स हैं वो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करते हैं, जैसा कि अभी आपने एक डेमो में देखा। इसमें केवल फेमोटिडिन है वो पार्शियली कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर करता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एफिनिटी शो करेंगे और ये आपके H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। दूसरा जो H2 ब्लॉकर्स हैं वो क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं दो चीजों को, वॉल्यूम को भी और एसिडिटी को भी। वॉल्यूम मतलब अमाउंट ऑफ एसिड सीक्रेशन लीटर्स, जो आप लोगों ने देखा था पिछले बार 2.5 लीटर पर डे इन एडल्ट के केस में, तो ये जो हमारे वॉल्यूम है इनको कम करते हैं। और दूसरा है एसिडिटी को, यानी कि इनकी कंसंट्रेशन को हम कम करते चलते हैं बाय यूजिंग H2 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। और ये जो एक्टिविटी है वो कब कब काम आएगी, किस किस कंडीशंस में काम आएगी। पहला है बेसल, यानी कि जो नॉर्मल नेचुरल तरीके से जो एसिड सीक्रेट होते रहते हैं एक ऑप्टिमम टाइम में, जो बेसल तरीके से सीक्रेट होते हैं इनको अफेक्ट करेंगे। दूसरा है नॉक्टर्नल, यानी कि जब हम नाइट में सो रहे होते हैं उस समय जो एसिड के ओवर बढ़ने की प्रोसेस होती है इसको भी अफेक्ट करेंगे। और इंपॉर्टेंट तरीके से अगर बात करें तो फूड इंड्यूस गैस्ट्रिक एसिड के सीक्रेशन को भी कम करेंगे, यानी कि जब हम कोई स्पाइसी, कोई मसालेदार चीजें खाते हैं, ज्यादा मात्रा में खाते हैं, तो इनके कारण से जो एसिड सीक्रेशन इंड्यूस होता है इसको भी ये इनहिबिट करेंगे हमारे H2 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। अगला पॉइंट है इनहिबिशन इज डोज डिपेंडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास इसका एग्जाम्पल है, जैसा कि आपने देखा था ये है हमारा रैनिटिडिन जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ये डोज डिपेंडेंट मैनर में काम करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोज डिपेंडेंट, मतलब जिस डोज पे देंगे, जिस अकॉर्डिंगली देंगे उसके हिसाब से वो काम करेंगे। जैसे जैसे एक लेवल तक डोज बढ़ाएंगे आप, जब तक सीलिंग इफेक्ट नहीं हो जाता तब तक इनकी एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। इस रैनिटिडिन के टैबलेट में आप देख सकते हैं रैनिटिडिन टैबलेट 150 mg, यहाँ पे ये जो 150 mg है वो डिनोट कर रहा है इसके कंसंट्रेशन को, इसके डोज को। तो जब कभी भी इसका डोज बढ़ाते जाएंगे डोज डिपेंडेंट एक्टिविटी में काम करेगा। सिंगल डोज कैन कॉज 60-70% रिडक्शन इन गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन इन 12 आवर्स, लगभग एक सिंगल डोज की अगर बात करें तो वो 60-70% गैस्ट्रिक एसिड के सीक्रेशन को कम कर सकता है फॉर टाइमिंग। वो टाइमिंग क्या है, वो है हमारा 12 घंटे। आगे बात करूं, दे ऑल्सो इनहिबिट द गैस्ट्रिन इंड्यूस HCl रिलीज। देखिए ये गैस्ट्रिन की वजह से जो HCl रिलीज होते हैं इनको भी कम करते हैं, ये गैस्ट्रिन को भी रिलीज करेंगे, जो कि आप डुलिंजर एलिसन इक्वेशन में भी आप समझ पाएंगे। तो ये ऑल्सो इनहिबिट करते हैं गैस्ट्रिन इंड्यूस HCl रिलीज। दे ऑल्सो इनहिबिट द पेप्सिन रिलीज, आपने एग्रेसिव फैक्टर के अंदर देखा है फर्स्ट पार्ट ऑफ अल्सर के केस में, जो एग्रेसिव फैक्टर है उनके अंदर हमारा एसिड, हमारे पेप्सिन, हमारे बाइल ये चीजें आती हैं, ये एग्रेसिव फैक्टर है, तो उनमें से एक एग्रेसिव फैक्टर पेप्सिन को भी ये कम करता है। और जब एग्रेसिव फैक्टर कम होंगे तो डेफिनेटली आपका जो अल्सर होने की संभावना थी, जो पॉसिबिलिटी और कॉन्सिक्वेंस थे वो भी कम तो होते चलेंगे। अगला देखिए इफेक्ट ऑन एनिमल टिश्यू, ये आपके थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन ये अगर आप आगे जा करके कभी एनिमल के उस पर एक्सपेरिमेंटल स्टडी करेंगे, एवं फॉर्म प्रोजेक्ट वगैरह करेंगे, तो इनकी जानकारी आपको होगी। डिफरेंट कुछ एक्सपेरिमेंटल एनिमल के बारे में जानकारी आपके कुछ कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो वहां भी आपको काम आएगा, इसलिए हमने इसको एज अ रेफरेंस के रूप में KD त्रिपाठी से लिया हुआ है। देखिए ये क्या क्या अलग अलग इफेक्ट शो करेंगे,
कार्डियक स्टिमुलेशन कॉज करेंगे, कार्डियक को स्टिमुलेट करेंगे, कौन से एनिमल में? आइसोलेटेड गिनिया पिग के हार्ट के पार्ट में ये करेंगे। दूसरा, ये यूटेराइन को रिलैक्स करेंगे, कौन से केस में? ये रैट के एनिमल में आप इस तरह से देख सकते हैं। तीसरा, ब्रोंकियल रिएक्शन कॉज करेंगे शीप में। तो इनको हम जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी होती है आपकी फार्माकोलॉजी में, इनको परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो ये कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एडवर्स इफेक्ट। वैसे तो जो हमारे H2 एंटीस्टामिनिक ड्रग है वो काफी अच्छे से टॉलरेट किए जा सकते हैं, केवल आपका जो सिमेटिडीन है वो कम टॉलरेटेड है, और आकी के जो और कम या नॉर्मल यूजुअल साइड इफेक्ट है वो क्या क्या है? पहला है डायरिया, वाटरी लूज मोशन होगा, वाटरी स्टूल का इवैक्यूएशन होगा, वो डायरिया कहलाएगा। इसके बाद हम वही टॉपिक भी शुरू करेंगे, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया के भी। उसके बाद दूसरा है वो डिजीनेस, आपको थकावट सा फील होने लगेगा इनके कारण से। अगर है मसल्स पेन, मसल्स में थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, बट बेसिकली उतने ज्यादा सीवियर नहीं होंगे। उसके बाद हेडेक हो सकता है, और जो इंपॉर्टेंट है आपकी जानकारी के लिए वो ये रेड कलर में कि दे मेक क्रॉस प्लेसेंटा। अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के केस में इस तरह के जो एंटीस्टामिक ड्रग ले रहे हैं, H2 एंटीस्टामिक ड्रग, ये उनके प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके अंदर डेवलप हो रहे फीटस तक पहुंच सकते हैं। तो ये थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी प्रेगनेंसी के केस में, इनके केस क्यों लेना होगा अगर। तो दूसरा, अगर कोई प्रेगनेंसी के बाद वुमन फीडिंग करा रही है, लैक्टेशन वुमन है, तो वो मिल्क के थ्रू भी बाहर आ सकते हैं फीटस तक, तो इस बात भी जानकारी इसकी रखनी होगी। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, देयर यूजेस, इसके अलावा वैसे कई इसके यूज हैं। सबसे पहला तो ये अल्सर के लिए ही यूज होगा, सो दे आर यूजफुल इन पेप्टिक अल्सर। क्यों? क्योंकि ये आपके एसिड के सिक्रेशन को कम कर रहे हैं, ये आपके पेप्सिन के सिक्रेशन को कम कर रहे हैं, ये आपके गैस्ट्रिन के सिक्रेशन को कम कर रहे हैं, ये आपके बेसल, नॉक्टर्नल और फूड इंड्यूस एसिड सिक्रेशन को भी कम कर रहे हैं, और अल्टीमेटली वॉल्यूम और एसिडिटी को भी कम करके आपको प्रिवेंट करा रहे होंगे फ्यूचर में हो सकने वाले पेप्टिक अल्सर से। दूसरा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस में भी यूज होते हैं। गैस्ट्रिक पार्ट में अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है ड्यू टू द इरोजन ऑफ पर्टिकुलर पार्ट, सोर की जैसे जो पेप्सिन है, जो रेनिन है, और आपके जो इस तरह की चीजें हैं वो खास करके ये बाइल वगैरह हैं, ये आपको डैमेज पहुंचाएंगे, तो इनकी वजह से जो इंफ्लेमेशन होगा इनको भी ये कम करते हैं। इसके बाद देखिए स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर। अल्सर तो किसी भी टाइप का हो सकता है, एनएसआईडी इंड्यूस हो सकते हैं, अल्सर आपके स्ट्रेस की वजह से भी हो सकते हैं। तो जो हम मेंटल स्ट्रेस लेते हैं और इनकी वजह से जो एसिड का सिक्रेशन फास्ट अप होता है, इनको भी कम करने के लिए हमारे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर काफी अच्छा काम करते हैं। उसके बाद ये जोलिंजर एलिशन सिंड्रोम में काम आते हैं। ये जो जोलिंजर एलिशन सिंड्रोम है, इसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो गैस्ट्रिन का सिक्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाता है उस सेल के ट्यूमर्स की वजह से। तो चूंकि गैस्ट्रिन का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है और गैस्ट्रिन के द्वारा इंड्यूस किए जाने वाला एसिड का रिलीज भी ज्यादा हो रहा है, तो गैस्ट्रिन कहीं ना कहीं आपकी एसिड का रिलीज को फ्लक्चुएट कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम था उसको भी हम कम कर सकते हैं बाय यूजिंग H2 एंटीहिस्टामिक ड्रग। उसके बाद आपका है प्री एनेस्थेटिक केस में। आपने पिछले सेमेस्टर्स में एनेस्थेसिया पढ़ा है, इसी टॉपिक के कई सारे अच्छे अच्छे वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल हैं। जनरल एनेस्थेटिक के केस में आपने देखा कि क्लासिफिकेशन में हम एक नया क्लास ऐड करते हैं, जो कि इज कॉल्ड प्री एनेस्थेटिक ड्रग, यानी कि ऐसे सारे के सारे ड्रग जो कि उस समय ऑपरेशन के समय, सर्जरी के समय कोई अनवांटेड इफेक्ट, कोई अनवांटेड रिफ्लक्स से उस पेशेंट को प्रिवेंट करके रखें, दैट इज सिंपली नोन एज अ प्री एनेस्थेटिक ड्रग। तो यहां पे जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस की वजह से एसिड का सिक्रेशन ज्यादा हो सकता था, यहां पे सब में आप देख सकते हैं स्ट्रेस इंड्यूस, इनको कम करने के लिए भी हमारे इस तरह के H2 एंटीस्टामिक ड्रग यूज करते हैं, ताकि ड्यूरिंग द सर्जरी, ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ सर्जरी, स्टार्टिंग समय, लेके जाते समय जो उनकी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, इसकी वजह से एसिड का सिक्रेशन ज्यादा ना हो सके, एसिड का रिफ्लक्स ना हो सके, इसलिए हम इस कैटेगरी के ड्रग को यूज करते हैं। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने बात किया आपके एंटी अल्सर ड्रग के पहले क्लासिफिकेशन का, पहला सब क्लास जिसमें हमने बात किया एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर और उसके अंदर H2 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। रेफरेंस की बात करूं तो आज के रेफरेंस के लिए मैंने 4 बुक यूज किए हैं, केडी त्रिपाठी, पद्मजा उदय कुमार, पी जगदीश प्रसाद और आपके सतोस्कर की बुक का रेफरेंस लिया है। मोस्ट ऑफ द केस पी जगदीश प्रसाद और केडीटी आपके लिए सफिशियंट होगा, तो भी अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं इनके बारे में अगला जो क्लास सब क्लास होगा और भी अच्छे से इनके वीडियोस और खास करके कुछ पार्ट के एनिमेशन वीडियोस लाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपने कमेंट फीडबैक के फॉर्म में जरूर दें। सो एट द लास्ट अगेन आई वुड लाइक टू से थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।